नमस्कार, सुप्रभात। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राजकिशोर पाणी आपमानको स्वागत करुचि भाग्य भविष्यत लाइफ को। दर्शक बंधु, आपमानको प्रश्न, आपमानको समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्यत। आपमानको जति प्रश्न रहुचि, समस्या रहुचि, तले स्क्रीन ने फ्लाश होतबा नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपकर सठिक जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्मस्थान कहतु। दर्शक बंधु, जमीक आप जानते प्रत्येक दिन आम कि विषय उपर आलोचना करतमान समय बहुत आलोचना करवाहिक दाम्पत्य सुख आपण को कमी मिल पार कौन अच्छी आप जतक जुग के आपको मेरेज हम आप लव म्यारेज करेंगे कि आरेंज म्यारेज आप पार कहीं बहुत समय देखा जा म्यारेज्रे अहेतुक विलंबी म्यारेज्रे जहाँ भी प्रोसेस करके चाहते प्रपर्ली आप प्रोसेस हो पारना प्रस्ताव शेष मुहूर्त में भांगी जबार अधिका संभावना रोचे। बहुत समय कन्फ्यूजन क्रिएट हो आप लाइफ पार्टनर स्वभाव को जानक चाहते केमती लाइफ पार्टनर आपको मिल पारे स्वभाव तर चरित्र केमती रहा आपों सहित केमती बुझापणा स्थापन करेंगे आपं पर सहित केत बुझापणा स्थापन करेंगे केत पॉजिटिव मेंटालिटी रही से सब जिनस को देखुं विशेषकर लव म्यारेज को लेकिन विशेषकर वर्तमान समय आलोचना कर लव को लेकिन आलोचना कर लव रे केते सक्सेस मिल पार आपको कहीं बहुत समय किसी ना कि लव आप गढ़ी उठू कि बहुत समय देखा जा ब्रेकअप बहुत शीघ्र हो जाए ट्रस्ट आसी पार ना से कौन जतक जग रोच देखुं फिफ्थ हाउस लव्र हाउस फिफ्थ हाउस लर्ड्र कंडीशन को देखु केत स्ट्रंग अच्छे फिफ्थ हाउस फिफ्थ हाउस जब सेभेन्थ हाउस सहित किसी रिलेसन रखुच्छी तेज़े लव म्यारेज आपंपर जहाँ भी लव कर प्रेजेन्ट सिचुएसन में दिन दिन आपको लव म्यारेज हो पार आप लव्रे सक्सेस हो पारे कितु फिफ्थ हाउस जब शनि राहु केतु और मंगल पोजिशन रोचे डिटाचमेंट आसीज म्यारेज लाइफ में लव्रे डिटाचमेंट आसीज लव्रे ब्रेकअप हो जाए बहुत शीघ्र जड़े कला जोड़ सहित कथा। हेलो हेलो नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे कहतु पुख जन्म तारीख 2001 कौन जाने पुख विषय गोटे दुर्घटना समस्या देखा वर्तमान समय हेल्थ को लेकिन आकस्मिक दुर्घटना शिकार हो जाए पिला लग्न रोच मकर लग्न मकर लग्न लग्नाधिपति शनि आप फिफ्थ हाउस पोजिशन रोचे लग्न आपको हेल्थ को रिप्रेजेंट करे जहाँ भी हेल्थ रोचे वर्तमान समय खराब रोच कहीं राहु शुक्र चलती राहु शुक्र शुक्र चलती जेहेतु शुक्र आप हरस्कोप्रे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शनि नक्षत्र पोजिशन से आकस्मिक भाव में किसी ना कि घटना दुर्घटना शिकार होती आप वर्तमान समय किंतु बहुत शीघ्र आप रिकवरी पारे वर्तमान समय जहाँ भी चलिए आपको देखते वर्तमान समय 20 मे 2022 पर बहुत भल समय आपको जहाँ भी आकस्मिक भाव में दुर्घटना आप शिकार होती बहुत भल ग्रोथ आपको मिल पार बहुत भल रिकवरी आपड़े किंतु स्ट्रगल वर्तमान समय आपको कहीं शनि आप हरस्कोप नेगेटिव अच्छी हेल्थ काराग्रह बृहस्पति सहित कंजक्शन अच्छी से गोटे प्रतिकार करूँ प्रत्येक शनिवार दिन शिवलिंग में कंचा क्षीर चढ़ात और 27 सर्व बाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसाद भविष्य न संशय ए मंत्र 27 दुब आप नाम कत चढ़ात जहाँ भी स्ट्रगल कर समस्या देखा जाए लाइफ रे बहुत भल हो पार बहुत शीघ्र क्योर हो पारे आप ब्लैक कलर को टोटल एवॉइड करूँ येलो कलर ग्रीन कलर सिल्वर कलर एवं व्हाइट कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्से मिल पार आपण को आउ जड़े कलर जोड़ सहित कथा हाँ हेलो हेलो आज्ञा कहतु क्या विषय जानवे नमस्कार कहतु कौन जानवे झील कहतु झील जन्म तारीख
तारीख कौन तू? 9 तारीख सितंबर 2017 समय कौन तू? 5:27 सकाळ की संध्या? सर बोलते हां संध्या सर 5:27 आज्ञा जन्मस्थान कौन तू? कौन जाने चाहती झी विषय आप ठीक अच्छे आज्ञा हेल्थ को लेकिन जाना चाहते आप लग्न रोज धनु लग्न कुंभ लग्न जेहतु वायुतत्व लग्न रोचे लग्नाधिपति शनि आप टेन्थ हाउस पोजिशन रोचे विचार राशि आप राशि रोचे मेष राशि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि वन बै वन जेहतु मेष राशि लॉर्ड मंगल आप सेवेन्थ हाउस पोजिशन नौ मंगल बुध सूर्यर कंजक्शन होती टेक्निकली अधिका स्ट्रंग रही है पिलार फ्यूचर अधिका ब्राइट रोचे किंतु वर्तमान समय हेल्थ इश्यू पिला फेस कर थंडा रिलेटेड प्रॉब्लम प्रत्येक समय पिला को लगिक रोचे वर्तमान समय केतुरे बुध चलती अधिका नेगेटिव होती आपन को प्रत्येक बुधवार दिन शिवलिंग में कंच अक्षर चढ़ात एवं 27 दुब सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्ये साखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम मस्मद वैरि विनाशनम ए मंत्र 27 दुब चढ़ात एवं प्रत्येक दिन सका संध्या संकट नाशन गणपति स्तोत्र को पाठ करतु एवं गणेश बीज मंत्र प्रत्येक दिन सका संध्या 27 थर जप करतु ओं वक्रतुंडाय हुं फट नमो ए मंत्र को 27 थर आप जप करतु सका संध्या आपण पिलाई आप फ्यूचर पिलार फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव है आउ जड़े कले जोड़ सहित कथा हेलो हेलो नमस्कार कौन तो कौन जानिबे सर पो बेसर जाने सर कौन तो पों को जन्म तारीख 1 मई 2005 समय कौन तो समय सकाळ 6:50 रविवार 6:50 सकाळ आज्ञा जन्मस्थान कौन तो जन्मस्थान सर भद्रतनबली कौन जाने चाहते पुओं विषय सर से आईडी क्षेत्र सर तार चाकरी पतला पूरा ठीक अच्छे जहाँ प्रश्न विशेषकर हेल्थ को जॉब को करियर को लेकिन आप जाना चाहते लाइफ रे केते सक्सेस आपरे जहाँ भी परिश्रम करा जहाँ भी कनसेट कर पढ़ापढ़ केते सक्सेस मिल पार केते परिश्रम रिजल्ट पिला को मिल पार लग्न रोचे जेहेतु वृष लग्न पृथ्वी तत्व लग्न लग्नाधिपति शुक्र आप खरस्कोपर 12th हाउस पोजिशन नौ सूर्य सहित कंजक्शन अच्छी सूर्य शुक्र कंजक्शन बहुत स्ट्रंग रोचे आपको आईटी सेक्टर को जीवापाई टेक्निकल सेक्टर को जीवापाई बहुत स्ट्रंग रोचे आप खरस्कोप राहु बुध बृहस्पति शनि चलती बर्तमान समय कितने नेगेटिव अच्छी हेल्थ दृष्टिकोण कितु आग को बहुत भल समय आसो एजुकेशन उत्तरोत्तर उन्नति आपरपारे 13 अगस्त 2022 पर बहुत भल समय आपण एजुकेशन को लेकिन हेल्थ को लेकिन बहुत भल सुधार आसपार किंतु वर्तमान समय रे समय समय रे हेल्थ इश्यू लगिक रोचे आग किंतु बहुत भल समय आसबार अच्छे लाइफ रे जहाँ भी डिसीजन ने प्रत्येक डिसीजन आपको सफलता मिल पार प्रत्येक कार्य आपको सक्सेस मिल पार कि गोटे प्रतिकार करूँ लाइफ रे सक्सेस राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे पाना पिंधतु आपको एजुकेशन आप फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहा ब्लैक कलर को टोटल एवॉइड करूँ ग्रीन कलर व्हाइट कलर येलो कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्सेस मिल पार आपण को आउ जड़े कलर जोड़ सहित कथा हेलो 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 आज्ञा शुणी पार शुणी पार आज्ञा हाँ नमस्कार कौन तो कौन जानवे क्या विषय जानवे आप जन्मस्थान अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा आप हेल्थ को लेकिन जाना चाहते वर्तमान समय हेल्थ केमती रोचे पिलार लग्न रोचे आप मिथुन लग्न जेहेतु वायु तत्व लग्न आप
एवं वायु कारक ग्रह राहु आप लग्न पोजिशन रखुच्छे प्रत्येक समय हेल्थ को लेकिन किसी ना कि उतार चढ़ाव लग रही पिला को प्रत्येक समय हेल्थ इश्यू आसी जाऊँगी एवं पिलार राशि रोचे कुंभ राशि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कुंभ राशि 25/11 जेहेतु कुंभ राशि लॉर्ड शनि आप घरस्कोप 8th हाउस पोजिशन नौ मंगल और बृहस्पति सहित कंजक्शन अच्छी जेहेतु हेल्थर कारक्रह बृहस्पति आप घरस्कोप नीच अच्छी से समय समय किसी ना कि हेल्थ इश्यू देखा जाऊँगी वर्तमान समय मध्य चली बृहस्पति बुध नेगेटिव रोचे वर्तमान हेल्थ दृष्टिकोण रु किंतु आग को बहुत तुला आसब हेल्थ रे मध्य सुधार हो पार विशेषकर देखु 4 सेप्टेम्बर 2022 पर वर्तमान समय रे समय समय रे जहाँ भी हेल्थ इश्यू फेस करा बहुत भल हेल्थ हो पार बहुत भल फ्यूचर मध्य कटिपार कितु वर्तमान समय गोटे प्रतिकार करूँ जेहतु बुध आप घरस्कोप 10th हाउस नेगेटिव रोचे शनि प्रभाव रोच से प्रत्येक शनिवार दिन शिवलिंग कंचा क्षीर चढ़ात एवं सतीष्ठी देव सर्वबाधा विनिर्मुक्त धनधान्य सुतान्वित मनुष्यमत प्रसादेन भविष्य न संशय ए मंत्र सतीष्ठी देव पिलार नामगत चढ़ात एवं ब्लैक कलर को टोटाल एवोड करूँ ग्रीन कलर व्हाइट कलर येलो कलर को अधिक यूज करूँ वर्तमान समय जहाँ भी हेल्थ रोचे फ्यूचर में बहुत भल हेल्थ हो पार बहुत भल फ्यूचर कटिपार फ्यूचर राहु केतु एक्सीस जेहेतु प्लानेट मैंने से वर्तमान समय रुद्राभिषेक करूँ रुद्राभिषेक विशेषकर रोगान शेषा नवहंसी तुष्ण रुष्टा तुकामान सकला नभीष्टान तोमा श्रीतानम नवीपन्नराणम तोमा श्रीताया श्रेता प्रयंती ये मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करूँ अष्टधैर्य जहाँ भी हेल्थ इश्यू आसती वर्तमान समय बहुत भल हेल्थ रोत भल सक्से पिला आउ जड़े कल जो सहित कथा कल्टे कटेजी दर्शक बंधु वर्तमान समय ही गोटे ब्रेक रो ब्रेक पर आलोचना जारी रखिबा ब्रेक पर स्वागत दर्शक बंधु जमती कि आलोचना करछंती लव को नहीं कि लव रे केते सक्सेस मिली पारे आपको कहीं बहुत समय लव संपर्क आपंकर गढ़ी उठू कहीं बहुत समय मध्य लव रे ट्रस्ट आसी पार ना आग को संपर्क आप बढ़ी पार ना किसी ना कि डिटाचमेंट आसी जाऊँगी आप बहुत समय किसी ना कि स्ट्रगल कर समस्या भितर को टाणी आसुँचना कहीं बहुत समय देखा जा मेरेज करना आप इच्छा रोचे जहाँ भी लव कर पार्टनर सहित आपको मेरेज जी करना स्ट्रगल होपको से जतक कौन जो रोचे देखो 5th हाउस आप लव हाउस केते सक्सेस मिली पार 5th हाउस ही जापर आपको केमती ग्रहर प्रभाव रोचे जमती कि लव प्लानेट शुक्र चंद्र बृहस्पति एवं मंगल जदि 5th हाउस पोजिशन रखुच्च स्ट्रंगली पोजिशन रखुच्चे 7th हाउस सहित 7th हाउस लॉर्ड सहित कनेक्शन रोचे तेल आप लव मैरेज करेंगे जदि पापग्रह अधिका प्रभाव रोचे लव मैरेज में किसी ना कि डिटाचमेंट आसीज शेष मुहूर्त में लव संपर्क आप भांगी जबार अधिका संभावना रोक से देखो कौन जातक रे जोग रोचे जड़े कला जुड़ सहित कथा हेलो नमस्कार कौन तो का विषय जानिबे सेटी राशि विषय रे जानिबे चाहू कौन तो जन्म तारीख 26 जुलाई 2007 आ गया आ गया 26 जुलाई 2007 समय कोन तो आ गया समय होछि सखाल 5:30 जन्म स्थान कोन तो जन्म स्थान केउ छर कौन जाने चाहुचंती आपनो सर सी एबे 10th रे पढू छी अच्छा आगो को सर से कोथरे तारो करियर बनेबो आ तारो भविष्य त केमती कोन अछि के जाने अच्छा अच्छा ठीक अछि आगे आपनो जा भी जाने चाहुचंती वर्तमान समय रे पिला पढा पढी करू छी 10th एग्जाम देखि लेखिया को चाहु छी आगो को केते सक्सेस मिली परबो केमती करियर करी परबो पिला लग्न होची कर्कट लग्न जेतु जड तत्व लग्न आपकर लग्नाधिपति चंद्र आपण घरस्कोप जेहेतु 5th हाउस पोजिशन रोचे आप राशि रोचे बिछा राशि जेहेतु ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि रोचे आप 18/8 जेहेतु बिछा राशि लॉर्ड मंगल आप घरस्कोप 10th हाउस पोजिशन रोचे रुचक महापुरुष जो कुलदीपक राज्यक आप जातक क्रिएट हो विशेषकर देखो टेक्निकाल सेक्टर पर बहुत भल जातक रोचे आप विशेषकर देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो पार पिला पिला को बहुत भल सक्से मिल पार कहीं मंगल आप घरस्कोप बहुत स्ट्रंग अच्छी 10th हाउस को इनफ्लुएंस करुच्च वर्तमान समय मध्य चली केतुरी चंद्र किंतु वर्तमान समय पढ़ापढ़ी कनसेट्रेसन रखी पार ना पिला
କନସେନଟ୍ରେସନ ଲେକ୍ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ପିଲା ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବ। 10 ଜୁଲାଇ 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ, କନସେନଟ୍ରେସନ ପାଇଁ, ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲଭ୍ରେ କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା କିଛି ନା କିଛି ଲଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହୁଛି, ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ, ହରୋସ୍କୋପ୍ର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଲଭ୍ର ପ୍ଲାନେଟ୍, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ର ପ୍ଲାନେଟ୍, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ର ପ୍ଲାନେଟ୍ ଶୁକ୍ର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ। ଯଦି ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି, ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲେ ଜଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 25/11/2009। ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 25/11/2009। 25 ନଭେମ୍ବର 2009। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 9ଟା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ? କଣ ପଢୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାର କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ରହିବ ଏବଂ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଅଧିକା ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଜଳତତ୍ଵ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯେହେତୁ 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି, 24/11, ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲର୍ଡ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, 3rd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପେଟ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପିଲାକୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ଆସିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ପିଲା ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଏବଂ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥରେ କିଛି ନା କିଛି ସୁଧାର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। 2022 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ 23 ନଭେମ୍ବର 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ପିଲା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ପରେ ପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲା କିନ୍ତୁ କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ଲେକ୍ କରୁଛି, ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ପିଲା। ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାଫାୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କ'ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଲଭ୍କୁ ନେଇକି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ, କି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ, ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ଅଧିକା ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, କେତେ ପରିବାର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ବହୁତ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଭ୍ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଉଛି, କ'ଣ କାରଣ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ପୃଥକ୍ତାବାଦୀ ପ୍ଲାନେଟ୍ମାନଙ୍କର, ଯେମିତିକି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଲଭ୍ରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ, ଲଭ୍ରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାତକରେ ଯୋଗ ଅଛି, କ'ଣ ଦଶା ଚାଲିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ରେ, ଯାହା ବି ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଦଶା ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, 7th ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ 7th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ପାପଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଛି, ବହୁତ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଲିଭିଂ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ବ୍ରେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଉଛି,
ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେଥିପାଇଁ ଜାତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଲଭ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ମନର କାରାଗ୍ରହ, ମନ ସହିତ ମନର ମିଳନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଗ୍ରୋଥ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ଏବଂ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତାହେଲେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଆପଣ ଲଭ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଲଭ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଉପରେ, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କର ଦଶା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲଭ୍କୁ ନେଇକି କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇକି କେତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛି। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।